I welcome all of you in my maths class. Let's start. Today I am going to give some practice questions on Heron's formula, which is 12th unit of your NCERT. Let's start with our very important practice questions. These are the very important questions I want you all of you do in your fair copy. Okay, let's start with a discussion on these practice questions. First of all, student, all of these questions are based on Heron's formula. You know very well what is Heron's formula. Heron's formula is applicable in a triangle in which or when three sides of triangles are given. Let's explain me first what is Heron's formula. If I have a triangle, फर्स्ट साइड को हम ए रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी साइड को बी और तीसरी साइड को सी. तो जब हम हीरोंस फार्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं. एस मीन्स सेमी पैरीमीटर. इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. जब एस की वैल्यू निकल जाती है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ये हमारे पास हीरोंस फॉर्मूला होता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करा हुआ है. अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर लेक्चर नंबर 12.1 चेक कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, जहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है. सेकेंड पॉइंट, हमें पता है आइसोसिलस ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं. और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ साइड्स. तो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मैं इसको एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. पहले आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यही वाले टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर. अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो यू आर वेरी कैपेबल टू आंसर ऑल दीज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया कि जब आपके पास एक ट्राइंगल होता है, उसकी तीन साइड्स हैं, जैसे एक साइड को ए लेट कर लिया, एक को बी, एक को सी. मेरे पास ट्राइंगल आ गया ए बी सी. तो अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मैं एस करूँगी, सेमी पैरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, दैट इज सेमी पैरीमीटर. हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी पैरीमीटर. कभी निकालना हो तो टू से इसको एस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका पेरीमीटर निकल जाएगा. अगर कभी आपको पेरीमीटर निकालना है तो एस मल्टीप्लाइड बाय टू हो जाएगा, वो आपके पास क्या वैल्यू निकल जाएगी, पेरीमीटर. ये मैं आज इस क्वेश्चन आज अपने इस क्वेश्चन सेशन में यूज करूंगी वर्ड. ओके, नेक्स्ट, अब मुझे जब इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का तो मेरे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, एस मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी. इसमें पर्टिकुलर हम वैल्यूज़ निकाल कर पुट करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा ये हमें. इसके बाद आपको पता है हमारे पास आइसोसिलस ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की टू साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. एक हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. और एक हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है सम टोटल ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड. तीनों साइड्स की लेंथ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाता है, पेरीमीटर. तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से क्रैम करेंगे और क्रैम करने के बाद इट मीन्स आपको याद करना है, अपनी मेमोरी में कमिट करना है. उसके बाद आप मेरे ये आज वाले सेशंस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो इट प्रूव्स वेरी बेनिफिट फॉर योर एग्जाम्स. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन सेशन. प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन हीरोंस फॉर्मूला. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू सिचुएशंस इन डे टू डे लाइफ व्हेन वी हैव टू फाइंड द एरियाज. हमें वो सिचुएशंस फाइंड आउट करनी है डे टू डे लाइफ में कि जब हम उनका क्या निकालते हैं, जब हम एरियाज निकालते हैं. कोई भी दो सिचुएशंस आप लिख सकते हैं. सेकेंड, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इजीली, इफ येस हाउ.
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपके लिए पॉसिबल है किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना जिसमें उसकी हाइट ना दे रखी हो, अगर है तो कैसे निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड एक्स। मैंने अभी आपको बताया है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसमें तीनों साइड्स क्या रहेंगी, एक्स के इक्वल। यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पैरीमीटर, अब यहाँ पैरीमीटर दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है और पैरीमीटर दे रखा है, तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। द बेस ऑफ एन आइसोसिलस ट्राइंगल, अब आपको अच्छी तरह से बताया था मैंने आइसोसिलस ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की हमारे पास टू साइड्स इक्वल होती हैं हम उसे क्या बोलते हैं, आइसोसिलस ट्राइंगल बोलते हैं। अब ट्राइंगल का जो हमारे पास पैरीमीटर है वो दे रखा है 32 और टू साइड्स की रेशियो दे रखी है 3x 3:2 और हमें इसके लिए क्या निकालना है, हीरोज फॉर्मूले से एरिया। ऊपर एक क्वेश्चन मिस हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन भी पढ़ूंगी। एक आइसोसिलस ट्राइंगल है जिसका बेस 10 सेंटीमीटर है, टू इक्वल साइड्स 13 दे रखी हैं। सिक्स क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है जिसमें रेशियो दे रखी है 13:14:15 साइड्स की और पैरीमीटर दे रखा है 84, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। नाउ मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन, एन आइसोसिलस राइट ट्राइंगल हैज एन एरिया 32 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। एक राइट आइसोसिलस ट्राइंगल दे रखा है, राइट मतलब 90 का एंगल और टू साइड्स इक्वल भी, जिसका एरिया 32 दे रखा है, मुझे उसकी हाइपोटेन्यूस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ मूव टू अवर नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट्स ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग द साइड्स 26, 28 एंड 30। हमें एक लेवलिंग, एक ग्राउंड की लेवलिंग निकालनी है जिसकी साइड्स दे रखी हैं 26, 28, 30 और रेट दे रखा है 3 पर मीटर स्क्वायर, तो एरिया निकाल कर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द कॉस्ट। टेंथ, द सेमी पैरीमीटर, मैंने अभी आपको समझाया है वन ट्राइंगल इज 96, सेमी पैरीमीटर इज 96 एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास साइड्स की रेशियो दे रखी है और सेमी पैरीमीटर दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। स्टूडेंट्स अब इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं, मैंने सब आंसर्स भी निकाल कर फाइंड आउट करे हैं, आप आंसर्स भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताती हूँ, मैंने बताया था कि आप कोई भी दो सिचुएशंस लिखो, जब आपको एरिया निकालना हो तो आप एरिया प्लॉट, कोई भी आप प्लॉट लेते हैं तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, अपने हाउस का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रूम निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द एरिया। बार्ब्ड वायर मतलब हमने कहीं पर फेंस लगानी है, उसके बीच में कितना एरिया इंक्लूड हो रहा है, हम वो भी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस आ जाएगा, हीरोंस फॉर्मूला आपको पता है वहीं पर बेनिफिट होता है जहां पर हाइट नहीं निकल सकती, क्योंकि हम बात करते हैं तीन साइड्स की। यस, हीरोंस फॉर्मूला इज हेल्पफुल टू फाइंड द एरिया ऑफ दोस ट्राइंगल फॉर विच इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल, हम वहां पॉसिबल है जहां हाइट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर √3/4x² निकलेगा, फोर्थ का निकलेगा 1261.17 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फिफ्थ का निकलेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सिक्स का निकलेगा 336 सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेवन्थ का निकलेगा 32√2, एट्थ का निकलेगा 8√2 सेंटीमीटर, नाइन्थ का निकलेगा, हमने कॉस्ट निकालनी थी 3 से मल्टीप्लाई करके, 1008 रुपीज़, टेंथ का निकलेगा 1536 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दैट्स ऑल विद द टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स आप में से जो नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पर भी आपको नहीं निकल रहे, आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उनके सॉल्यूशंस भी करवा दूंगी। और आप कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपको इस असाइनमेंट में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्या नहीं निकल रहा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।